नमस्कार। आज से हम प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि प्रौढ़ शिक्षा का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। सरकार और दूसरी स्वैच्छिक संस्थाएं सारे देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चला रही हैं। जगह जगह प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुले हुए हैं। इन केंद्रों में 15 से 35 वर्ष की उम्र के पुरुष और महिलाओं में साक्षरता के साथ साथ कार्यात्मकता और जागरूकता का प्रसार भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि लोग अपने रोजमर्रा की समस्याओं को समझें और उन्हें सुलझाने में व्यक्तिगत रूप से और मिलजुल कर ठोस कदम उठाएं। अब पेश है ये नई श्रृंखला अपनी बस्ती अपने लोग। इसमें नागरिकता संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया है, जैसे गली मोहल्लों या दूसरी सार्वजनिक जगहों को गंदा न करना, खराब और मिलावटी चीजों को पहचानना, बसों में सही ढंग से चढ़ना उतरना, झूठे दिखावे से बचना और अंधविश्वास को दूर करना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सभी के जीवन को छूती हैं। काफी हद तक ये निरक्षरता और दक्यानुसी विचारों की देन है। समाज को शिक्षित करने के साथ साथ हमें इन बुराइयों से भी छुटकारा पाना है। अपनी बस्ती अपने लोक श्रृंखला में आप एक नवयुवक हरिया से मिलेंगे जो समाज में सुधार लाने की कोशिश में है। जरूरत आज हम सबको हरिया की राह पर चलकर मिलजुल कर ठोस कदम उठाने की है। अपना परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में हमें अपना दायित्व निभाना है। हमें शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज को आगे बढ़ाना है। आज की इस कड़ी का विषय है गली मोहल्लों और आसपास की बस्तियों में फैली गंदगी। गंदगी के कारण मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, बहुत सी बीमारियां फैलती हैं जो जन स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। इस समस्या से आदमी अकेला नहीं निपट सकता, इसमें सहयोग है सभी का जरूरी। तो लीजिए अब देखें अपनी बस्ती अपने लोक श्रृंखला में ये पहली कड़ी। लाल किले से 3 रुपए में लेके आई हूँ। मैं भी लाई थी पिछली दिवाली। अच्छा, सारे तो लिखना। ये चलो तेरा चाल। ये लो चिड़ी। इक्का चलो चलो तेरी चाल है, ठहरो जी। अरे हद तेरी की, फिर सत्यानाश कर दिया। अरे तुझे कहा ना, नहीं नहीं ये पत्ता। हाँ अब आए बात। ये देख। अरे ओ रामू, अरे ओ माटी मिले, मरा कुत्ता घूरे पर डाल दिया तूने। और कहाँ डाल दूँ, तेरे ससुराल के आंगन में। हसो और हसो। ओए तू कहाँ भागा जा रहा है? मैं क्यों भागने लगा, और फिर कोई अपराध किया है मैंने? अपराध नहीं तो और क्या किया है, हैं? बेचारा, अरे जब तक जिंदा रहा तेरे घर की रखवाली की, और आज मर गया तो कचरे के ढेर पे फेंक दिया। अरे कह जो रही है उठा देना, मर तो नहीं जाएगा। अरे तुम्हार सिंगार देख के तो वैसे ही मर गए चमकिया। तू कहाँ भागा जा रहा है? रुक जा नहीं तो। नहीं तो क्या कर लेगी बड़ी आई। चुप काया हो गया। बोल क्या कह रहा था? मैं सब देख रहा था तेरा तमाशा और गंगवे के बच्चे को भी। अबे ओ गंगवे, खत्म है ये कलेश, और उठा इस कुत्ते की लाश को यहाँ से। अरे तो तेरा क्या ले रहा है,
पड़ा रहने दे ससुरे को। कैसे पड़ा रहने दे? मेरे घर के आगे पड़ा है, मेरे घर के। और किसी दूसरे के घर के सामने पड़ा होता तो पड़ा रहने देता क्या? कैसे पड़े रहने देता? बस्ती में बाकी सब क्या जानवर हैं? अरे तो भाई हल्ला काहे को करता है, फेंका उठा के गली के बाहर। और तुझे जब पगार मिलती है वो किस बात की मिलती है? हराम की मिलती है, तुझसे मतलब? अरे हरिया, कुछ धर क्यों नहीं देता इसके हाथ में? अरे वाह, तो हम ही रह गए इसके धंधे पानी के जुगाड़ के लिए। अरे किसी न किसी को तो जुगाड़ करना ही पड़ता है ना। चल हटा, निकाल पाँच की पत्ती, अभी फेंक कर आता हूँ इस कुत्ते की औलाद को। हाँ, पाँच के पत्ते से तो तेरे हाथ में मशीन फिट हो जाएगी ना। अबे हरिया ने ना कभी घूस दिए और ना देगा। अरे तो खाली पीली बात काहे को करता है? अरे हफ्ते भर बाद कमेटी की गाड़ी आएगी और उठा के ले जाएगी, और फिर कूड़े के ढेर पर ही तो पड़ा है, किसी के घर के अंदर तो नहीं पड़ा। अबे हफ्ते भर लाश पड़ी रहेगी तो बीमारी नहीं फैलेगी बस्ती में? ये अंग्रेजी किसी और को सुना, चार लाइन क्या पढ़ लिए, हर चीज पर नेता की तरह भाषण सुन लो। ओए तू जुबान किससे लड़ा रहा है, काट के रख दूंगी। तू बीच में मत बोल, बैठ बैठ। देख गंगू, मैं कह देता हूँ हटा ले इस कुत्ते की लाश को, वरना मैं रिपोर्ट कर दूंगा। काहे को मस्करी करता है, ले पत्ता भी गलत पड़ गया। अबे ओ चुड़ी के गुलाम, तेरा पत्ता ही कटवा दूंगा। हाँ चल गंगू, उठा दे इसको। नहीं प्रधान जी, ये कुत्ता भी यहाँ से नहीं हटेगा। गंगू, अरे कहाँ भाग गया? आज आप यहाँ कैसे इंस्पेक्टर साहब? अब तो हफ्ते के बच्चे तू यहाँ पत्ते लगा रहा है, देख देख कितनी गंदगी है। अबे इस मरे हुए कुत्ते को भी नहीं हटाया तूने? अरे अभी हो जाता है साहब, देर अबेर तो चलती रहती है ना। मगर आज की देर बहुत महंगी पड़ेगी। कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब इस इलाके को देखने आए, अभी दूसरी गली में है, क्या पता इस गली में आ जाए। ओहो, तभी मैं कहूँ कि छह जने की ड्यूटी उधर काहे को लगी हुई है। इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं साहब, और आपको इतने देर से खबर पता चली। खैर आप कोई चिंता मत करो, मिनटों में चकाचक हुआ समझो। सबसे पहले इस कुत्ते की लाश को ही ठिकाने लगाता हूँ। खबरदार गंगू, जो हाथ भी लगा इसको, पांच का पत्ता नहीं है हमारे पास। अरे कौन ससुरा तुमसे पांच का पत्ता मांग रहा है? हाँ चल हटा, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। देर तो अब हो ही चुकी गंगू, जा जा किसी पार्क में जाके बीड़ी फूक। तुझे मालूम है सरकारी काम में बाधा डालना अपराध है? सरकारी? अभी तक ये काम सरकारी नहीं था, चेयरमैन का नाम सुनते ही सरकारी हो गया। देखता हूँ कौन हाथ लगाता है कुत्ते की लाश को। ए तू उधर ही रुक, मैं चेयरमैन साहब को उधर ही लेके आता हूँ। और तुम सब लोग कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम इधर चुप साधे बैठे रहोगे हर कोई तुम्हें कचरे का ढेर समझेगा और तुम पर मरे हुए कुत्ते लाद देगा इसी तरह। देख 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 हरिया, लीटरी मत जाता, बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा, क्या कर लोगे? हाँसी पे चढ़ा दोगे, सच बोलने पे जीभ काटोगे हमारी। देखती हूँ गंगू का बच्चा आगे कैसे बढ़ता है। इंस्पेक्टर साहब मैं चला चेयरमैन साहब को लाने, मत बल के बस्ती दिखाने। अरे बात तो सुन, अबे अबे हरिया, अबे बात तो सुन, अरे हरिया बात। चेयरमैन हरिया हरिया, अरे सुन अब आ रहा है पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह। बस्ती वालों की एक ही बीमारी है, पढ़ते लिखते हैं नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं सरकार चोर कर्मचारियों को किस तरह दंड देती है। अखबार पढ़ते हो तो जाने।
आज अचानक आपके मोहल्ले में आने का अवसर मिला। यहां की व्यवस्था देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा लगा मानो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना साकार हो उठा हो। चेयरमैन साहब, गांधी जी के सपनों का एक भारत तो आपने देख लिया, आइए मैं दूसरा भारत दिखाता हूँ आपको। हुजूर चेयरमैन साहब, हम आप जैसे नसीब लेकर पैदा नहीं हुए कि जिधर से गुजरे सड़कें चमक गईं, नाली मोरियां धुल गईं। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे। चेयरमैन साहब, एक बार हमारे मोहल्ले में भी चलिए, सब समझ में आ जाएगा आपके। ये सब क्या तमाशा है? मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ, मगर इस वक्त आपका दूसरे मोहल्ले में जाना ठीक नहीं, कुछ गड़बड़ लगती है। सर फिर क्या तुम्हारा, देखते नहीं ये प्रेस वाले और ये सब लोग? हम तुम्हारे मोहल्ले में अवश्य चलेंगे, चलो। चलो आर्या, तुम्हारा मोहल्ला भी देख ले। सर ड्राइवर को गाड़ी बोलने के लिए बोलूं? हाँ हुजूर, हमारी गाड़ी जो आई है ना। अच्छा अच्छा, चलो आइए चलते हैं। हटो हटो, चलो चलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए। कैसे हैं आप लोग, सब ठीक ठाक? इंस्पेक्टर, ये क्या हालत बना रखी है? वो जी वो ये एक नाले में गिर गए थे, कई बार इनसे कहा ठीक करा दो ठीक करा दो, पर नहीं, वो तो भगवान की कृपा हो गई, वरना कुत्ते के साथ साथ। कुत्ता? ये कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? ये कुत्ता आज ही मर गया था, और इलाके का सफाई कर्मचारी छुट्टी पे था। झूठ, एकदम झूठ हुजूर, बंगू बैठा था पत्ते लगा रहा था, हमने इससे कहा तो इसने हमसे 5 की पत्ती मांगी हुजूर। और तुम उधर चले आए जलसा भंग करने? नहीं हुजूर, आपको ये बताने कि अपनी बस्ती में क्या हो रहा है। सफाई कर्मचारी को बता देते हुजूर, इनकी शक्ल तो आज देखने को मिली है, बहुत बड़ी बात है। जब इन्हें पता चला कि आप बस्ती में आए हुए हैं, तब इन्होंने गंगू को सफाई का हुक्म दिया हुजूर। मैंने सोचा हुजूर क्यों ना आपको मौका दिखा दूं। अच्छा अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया। गंगू किधर है? जी वो छुट्टी पे है। भाइयों और बहनों, हमारे सामने जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, वो बहुत जटिल हैं। हमें उनका सामना करना है पूरी बहादुरी से, अपने बूते पर, क्योंकि मुझे याद है बापू कहा करते थे, देश तभी तरक्की कर सकता है जब हम अपना काम स्वयं करें। और भाइयों, फिर फल की चिंता करें, कर्म की चिंता छोड़ दो। इस शुभ कार्य का श्री गणेश हम अपने हाथों से करेंगे। लेकिन साहब, जिनका ये काम है ये लोग कामचोर बन जाएंगे। गलत, बिल्कुल गलत। जो कामचोर हैं उन्हें दंड दिया जाएगा, लेकिन पहले हम वो करें जो आवश्यक है। एकदम पढ़े लिखे की बात मत, बल्कि हुजूर एकदम बराबर कर दिया आपने। ठीक, सब ठीक है ना? यस सर। गुड, वेरी गुड। तो चलें? यस सर। बस्ती का तो अब हो गया काम, मतबल के अब छपेगी कल चेयरमैन साहब की फोटो अखबार में। अपनी
बस्ती अपने लो अपनी गलियां अपने रास्ते अपना चैन है अपने दुख सुख अपना चैन है अपने दुख सुख अपने है समाधान अपने है समाधान।